Hey students, how are you all? And today in this video we are going to do the second part of this chapter foundation of Indian culture जिसमें हम पढ़ रहे थे हरप्पन civilization. तो ये हमारा second part है. इसके इस particular lecture में हम पढ़ने वाले हैं the condition of agriculture, technology, craft, इन सब की बारे में जो हरप्पन लोग use करते थे. So let's start. अगर स्टार्टिंग विद द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो हरप्पन लोगों की एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. जैसे कि हमारे इंडिया पर्टिकुलर कंट्री इंडिया में हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो हरप्पन्स का भी एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एवरी ईयर ड्यू टू हैवी मॉनसून रेन द रिवर बैंक ऑफ इंडस वॉज फ्लॉडेड विथ वाटर. तो हर ईयर क्या होता था कि जब रेन होता था तब इंडस वैली जो रिवर था वो बहुत ही ज़्यादा वाटर में फुल हो जाता. ऐसे ही सभी जगहों पर वाटर से वो भर जाता था. तो वाटर भरने से क्या होता था कि एक सिल्ट, एक लेयर बन जाता था जो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होता है, जो लैंड को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है. ओके, सो एवरी ईयर ड्यू टू हैवी मानसून रेन द रिवर बैंक इज फ्लॉडेड विथ वाटर एंड अ लेयर ऑफ सिल्ट ऑल्सो डिपोजिटेड ऑन द लैंड विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर रिमेन्स ऑफ कॉर्न फील्ड्स फ्रॉम कलीबंगन. तो कलीबंगन एक प्लेसेस है हरप्पन सिविलाइजेशन में जिस जहाँ पर हमने बहुत सारे कॉर्न फील्ड्स को एक्सकैवेट किया था. सो दैट लैंड्स आर प्लावर्ड विथ प्लावर्स. तो प्लाउस को यूज़ करके वो हार्वेस्टिंग, अपना प्लाविंग, सभी प्रोसेस को वो करते थे. लाइक इन टूडेज जनरेशन हम जैसे ही हमारे जो प्राइमरी टूल्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर करते हैं, वैसे ही हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग भी अपने टूल्स को यूज़ करके अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते थे. ओके, उस एग्रीकल्चर में हमारे अदर थिंग्स आते हैं लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्न्स और हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल फाउंड इन यूपी. तो वो कॉर्न के जो फील्ड हमने देखा था कलीबंगन में, जो हमें उसके रिमेन्स मिले थे, तो वो दो तरीके के कॉर्न्स को हार्वेस्ट करते थे. जो अभी भी स्टिल उसकी जो कुछ रिमेन्स होती हैं, उस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो अभी भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे प्लेसेस में भी अभी भी वो कंटिन्यू होता है. द प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड एंड कॉपर. जो प्लाउज वो यूज़ करते थे वो वुड और कॉपर से बनता था, और जो सिकल्स होता था जो एक टूल है एक फॉर एग्रीकल्चर, वो भी हमारा बनता था कॉपर से. ओके, एंड शार्प स्टोन्स विथ वुडन हैंडल्स. एक वुडन हैंडल के साथ एक शार्प स्टोन एडजेसेंट होकर एक बनता था टूल, जो वो हार्वेस्टिंग करते थे कॉर्न्स को. कॉर्न हार्वेस्टिंग के लिए वो यूज होता था. ओके, द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कंसिस्टेड. तो जो जितने भी वो कल्टीवेशन करते थे उसमें से जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो करते थे दैट इज़ कॉटन, बर्ली एंड वीट. इन तीनों को वो ज़्यादा करते थे प्रोडक्शन. रिमेन्स ऑफ पैटी हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम गुजरात एंड हरियाणा. गुजरात, हरियाणा, इन सारे जो प्लेसेस हैं उसमें रिमेन्स ऑफ पैटी कुछ एक्सकैवेट हमने किया है. एंड द रिमेन्स ऑफ कॉटन ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम मेहरगढ़ डोनेट कॉटन कल्टिवेशन. तो ये हमें प्रूव करता है कि मेहरगढ़ में कॉटन कल्टिवेशन हुआ था जिसकी कुछ रिमेन्स हमने अभी डिस्कवर किया है. ओके, नाउ मूविंग टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सिर्फ वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते थे, उसके साथ ही वो एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करते थे. मतलब एनिमल्स को घर में पालते थे. हरप्पन रियर्ड एनिमल्स लाइक काओ. कौन से एनिमल्स को वो पालते थे? काओ, बुल्स, बुलॉक्स, कैमल्स, सीप, पीक, एलिफेंट्स, बट दे डिडंट नो द यूज ऑफ डॉग एंड हॉर्स. सो डॉग, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एनिमल को यूज़ वो नहीं करते थे, जो कि है आपका डॉग एंड हॉर्स. बट कौन से एनिमल को यूज़ करते थे? काओ, बुल्स, बुलॉक, इन सारे एनिमल्स को वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते थे. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प द पीपल इन एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग. तो एग्रीकल्चरल फील्ड में आ जाए कि हार्वेस्टिंग के फील्ड में काओ, बुलॉक, ये सारे यूज़ होते थे. ओके, एंड द काओ, बफालो एंड कैमल आर यूज्ड फॉर बीस्ट ऑफ बर्डन. बीस्ट ऑफ बर्डन होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर अगर वो ट्रांसपोर्ट करते थे तो उस एनिमल के थ्रू वो जाते थे, उसमें अपने जितने भी सामान होते थे या फिर खुद आने जाने के लिए वो एनिमल्स को वो यूज़ करते थे. ओके, द वाइल्ड पिग्स, डियर एंड रैबिट्स वर यूज एज फूड. तो वो हंटिंग भी करते थे, तो हंटिंग के वजह से वो पिग्स, डियर, रैबिट्स, इन सारे एनिमल्स को भी फूड के हिसाब से कंज्यूम करते थे, और कुछ पार्ट्स को भी वो पकड़ कर खाते थे.
एंड कैचिंग फिश योर फेवरेट पास्ट टाइम, तो फिश को कैच करना कि हंटिंग करना, ये सारे उनके पास्ट टाइम्स होते हैं, मतलब वो मजे के लिए ये सब कुछ भी करते थे. ओके, नाउ मूविंग टू द टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट. ओके, सो हरपन्स वेयर मास्टर्स इन क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी. तो उनकी टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी हम बहुत प्लेसेस में देख सकते हैं, वो अभी उस टाइम में वो डिस्कवर हुआ था. सो देयर क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज. तो उनकी जो टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्टिंग की जो प्रोसेस थी उसको हमने बेसिकली तीन कैटेगराइज डिवाइड किया है. एक मेटलर्जी है, एक वेविंग है, एक अर्थनवेयर है. मेटलर्जी में आते हैं जो सारे जो स्टोन्स या फिर आइवरी को यूज़ करके कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, नेकलेसेस बनाते हैं, ये सारे मेटलर्जी में आ जाएगा. वेविंग में कपड़े को सिलाई करके उसमें से कुछ ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, ये सारे वेविंग में आते हैं. अर्थनवेयर होता है जो मिट्टी के बने हुए जो चीज़ों को वो अपने हाथों से बनाते हैं, वो ही होते हैं हमारे अर्थनवेयर. तो हरपन्स लोग जो होते हैं थे तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे. इन सभी चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे अदर पॉट्स, जार, ये सब कुछ बनाते थे. ओके, सो पहले मेटलर्जी पे जाते हैं, उसको एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं. द हरपन पीपल शोड देयर क्राफ्टमैनशिप इन प्रिपेयरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को भी वो बनाते थे, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन एंड अलॉय को यूज़ करके वो बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बनाते थे. ओके, द आर्टिकल्स लाइक ट्रे, फ्लावर बेस, कॉप्स, जार्स, कॉस्मेटिक बॉक्सेस वर मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड वेरियस मेटल. तो मेटलर्जी में स्टोन का यूज़ होता है, तो इस स्टोन एंड मेटल्स को यूज़ करके वो बहुत सारे ट्रे, फ्लावर वेस, जार, कॉप, ये सारे कुछ सब बनाते थे. द एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो हैज ब्रॉट टू लाइट एन एलिजेंट ब्रोंज डांसिंग गर्ल. आप गूगल में भी जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं ब्रोंज डांसिंग गर्ल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्ट है जो मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन में हमें मिला था. ओके, दे ऑल्सो यूज्ड वेपन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स फॉर सेल्फ डिफेंस. तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो बहुत सारे वेपन्स भी इन सारे मेटल्स से भी बनाते थे. ओके, मेटलर्जी का एक पार्ट आता है हमारा स्टोन एंड आइवरी. आइवरी का मीनिंग होता है जो एलिफेंट का जो व्हाइट टीथ होता है उसको यूज़ करके जो सब ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं आइवरी. हरपन्स आर फैमिलर विथ अ मेनी प्रीसियस स्टोन्स. जो हरपन्स लोग थे वो बहुत सारे स्टोन को यूज़ करते थे. अगाते आ गया, कार्निलियन, स्टेटाटाइट, इन सारे जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उनको वो यूज़ करके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते थे. बीड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड लोथल इंडिकेट द यूज़ ऑफ नेकलेस. सो बीड्स होता है कि एक नेकलेस में हम जो छोटे छोटे माली जैसे ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बीड्स. तो वो हमारे हरपन टाइम में भी डिस्कवर हो गया था. सो बीड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो एंड लोथल इंडिकेट दैट दे आर ऑल्सो यूजिंग नेकलेस. कॉम्ब्स, इयररिंग्स, ऑर्नामेंट्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम आइवरी. तो जो टीथ है एलिफेंट का उसमें से बनता था हमारा कॉम्ब्स, इयररिंग्स, कुछ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स दैट एग्जिबिट द आर्टिस्टिक टैलेंट. ओके, ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो हरपन्स मेड ऑर्नामेंट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. तो मेन भी यूज़ करते थे, वुमेन भी ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे. चेन्स एंड नेकलेसेस, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, दीज आर मेड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. आर्मलेट्स, इयरिंग्स एंड नोज बॉड्स जो होते थे वो पर्टिकुलरली वोमेन के लिए, लेडीज़ के लिए बनते थे. एंड ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ आइवरी, हॉर्न एंड ब्रोंज. इन सारे को यूज़ करके वो बेसिकली सारे ऑर्नामेंट्स को बनाते थे. स्मॉल ऑर्नामेंट्स लाइक लॉकेट्स, ड्रेस पिन्स, अम्यूलेट्स एट्सेट्रा वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोल्ड. तो गोल्ड के को भी इस्तेमाल करके वो बहुत सारे लॉकेट्स, ड्रेस पिन्स, इन सभी चीज़ों को भी बनाते थे. द कॉमन पीपल यूज्ड ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स, अर्थनवेयर, कॉन्सल. ओके, सो गोल्ड की कंजप्शन जो करते थे वो रिच पर्सन मोस्टली करते थे, एंड जो कॉमन पीपल होते थे वो ब्रोंज, अर्थनवेयर, इन सभी के ऑर्नामेंट्स को यूज़ करते थे. ओके, तो इस फोटो में आप देख सकते हो बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर जो हरपन टाइम्स के ही हैं. वेविंग की बात करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हमने तीन कैटेगराइज किया था, मेटलर्जी, वेविंग एंड अर्थनवेयर. वेविंग की बात करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, तो एक वेव करने के लिए कपड़े को हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, उल चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में हमें हरपन साइट्स में मिलता था, इंडस्ट्रीज में मिलता था. ओके,
द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन एंड ऊल ऊल इन द ह्यूज क्वांटिटी इन द इंडस रीजन लीड्स इट्स इनहैबिटेंट्स टू वेव कॉटन एंड उलन गारमेंट्स. तो वो इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने के हिसाब से तो वो कॉटन को भी वेव करते थे एंड उलन गारमेंट्स को भी प्रोड्यूस करते थे. सो दे हैड डेवलप्ड स्किल्स इन वेविंग द स्किल्स इन वेविंग एंड मेकिंग गारमेंट्स बोथ इनर एंड आउटर. बहुत इनर गारमेंट्स हो या फिर आउटर गारमेंट्स हो, इन सभी में भी उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्स थी कि उसके हिसाब से वो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वेविंग करते थे. ओके, दे वॉव एक्सक्विजाइट ड्रेसेस एज नोन फ्रॉम द इमेजेस एंड पिक्चर्स ऑन द सिल्स. तो हमारे हरपन साइट में हमने बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सिल्स को डिस्कवर किया है. तो उस सिल में हमें प्रिंट देखने को मिला है कि वो जो ड्रेसेस बनाते थे उसका जो डिज़ाइन होता था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक होता था. दे ऑल्सो अडेप्ट इन यूजिंग सीजनल ड्रेसेस. सीजनल ड्रेसेस समर में समर ड्रेस आ गया, विंटर में कुछ जैकेट्स आ गए, तो इन सभी सीजनल ड्रेसेस को भी वो बनाते थे. ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा अर्दनवेयर. द इनहैबिटेंट्स ऑफ हरप्पन वर एक्सपर्ट इन प्रिपेयर अर्दनवेयर. तो बहुत ही ज़्यादा स्किल था उनके पास, तब उसके हिसाब से वो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक अर्दनवेयर को भी प्रिपेयर करते थे. मिट्टी की बहुत कुछ चीज़ें बनाते थे. तो हाउस होल्ड के भी बहुत सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं लाइक कुकिंग पॉट आ गया, जॉक्स आ गए, प्लेट्स आ गए, इन सभी जो होते हैं वो मिट्टी के ही बनते थे. द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ सच आर्टिकल्स वर डिज़ाइंड विद स्मॉल सर्कल स्क्वायर पिक्चर ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स. तो उन सभी चीज़ों को एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन करते थे एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, लाइक सर्कल बनता था, स्क्वायर बनता था. इन सभी पिक्चर्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स को प्रेफर करके वो इस सभी अर्दनवेयर को शेप देते थे. द हरपन्स अर्दनवेयर वर वेरी स्मूथ एंड ग्लशी रिजेबलिंग द अर्दनवेयर रिकवर्ड फ्रॉम तेल अस्मार ऑफ मेसोपोटामिया. ओके, सो ये सारे है हमारे टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द अदर थिंग्स रिलेटेड टू हरप्पा. सो फॉर दिस थैंक यू सो मच.